हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस मैगीराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द हाफ लाइफ एंड मेन लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाफ लाइफ। सो व्हाट इज हाफ लाइफ? सो दिस इज द टाइम इन विच एनी और एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स लेफ्ट हाफ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन और इट disintegrated the half amount of its initial value, okay? यानी जो भी amount है उसका half disintegrate हो जाए या half बचे, इस disintegration में जो time लगता है that time is known as half life. So half life is a time required in which any radioactive substance disintegrated of the half of its initial amount or remaining half of its initial amount. So that's time, that's the required for this integration is known as half life. So that is denoted by T half. Okay, so we know that n equals to n naught e to raise power minus lambda t. So find ever n is equals to n naught by 2, means n जो है remaining value है और n naught जो था वो initial value, you know that n naught initial amount and n is remaining amount. Okay, so जब remaining amount half बचा, इसका मतलब यही है कि half amount disintegrate हो चुका है. So find ever this is equals to n naught by 2, then t will be equals to t half. So put it in this equation first. So by equation first, n naught by 2, that is n naught 1 by, sorry, e to raise power minus lambda t. So 1 by 2 equals to e to raise power minus lambda t half, taking log both side, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, logarithm यूज कर लिया. सो log 1 by 2, that is log 1 minus log 2, that is equals to minus lambda t half log e. सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. ओके, सो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये log बेस e ऐसे लिखा है, log बेस e 1 by 2 equals to minus lambda t half log e, और यहाँ बेस e से बेस 10 चेंज करेंगे जब तो 2.30 से मल्टीप्लाई होगा, log बेस 10 1 by 2 equals to minus lambda t half और इसकी वैल्यू 1 होती है. सो 2.303 और इसकी वैल्यू हो जाएगी log 1 minus log 2, ओके, माइनस लैम्डा टी हाफ, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है. सो 2.303 0 माइनस 0.3010 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ. ओके, अब इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे. टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6932 इक्वल टू लैम्डा टी हाफ. सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन लैम्डा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू दिस द मीन लाइफ द रेसिप्रोकल ऑफ द हाफ लाइफ इज नोन एज मीन लाइफ. सो mean life, that is denoted by t, and this is the average time of interval. So the reciprocal value of the decay constant is known as mean life. Okay, this is decay constant, okay, iske decay constant ke reciprocal ke equal hota mean life, half life ne. So t is equals to 1 by, and you know that lambda
is equal to 0.6932 upon t half. So its value is 6932 upon t half. So t is equal to t half upon 6932. इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.44 t half. या हम सिंपली कह सकते हैं कि मेन लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ लाइफ. सो हियर द मेन लाइफ वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द डीके कांस्टेंट इज नोन एज मेन लाइफ एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा. लैम्डा इज डीके कांस्टेंट एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ. सो दिस टी इज इक्वल्स टू 1.44 टी हाफ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस between the relation of number of half lives. So this is the curve T. So initial number of atom n naught at time 0 at the first half life 1 T half, it remains left half of its original amount n naught by 2. You know that n is equals to n naught 1 by 2. Okay, this. Next, in second t half, अब जो वैल्यू बची है उसका हाफ रह जाएगा. यही हाफ लाइफ का मीनिंग था कि ऐसा टाइम जिस पर की कोई वैल्यू अपनी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसका हाफ रह जाता है. तो अब नेक्स्ट उतना टी हाफ का गैप रहेगा हर एक में. सो ये अब जो होगा इसका भी हाफ रह जाएगा. सो एन नॉट बाई 4 और इसको हम लिख सकते हैं एन नॉट 1 बाई 2 का स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं एन इक्वल टू 1. दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ. ये कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में आधी रह गई, दूसरे अटेम्प्ट में उसकी भी आधी रह गई हाफ. सो दिस इज एन इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट टाइम अगर हम 3 टी हाफ की बात देखें तो ये हो जाएगा इसका भी हाफ एन नॉट बाई 8. और हम इसको लिख सकते हैं एन इक्वल टू एन नॉट 1 बाई 2 क्यूब. 1 बाई 8 ही लिखा है, थर्ड अटेम्प्ट की बात है. तो देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 है तो 1, 2 है तो 2 और 3 है तो पावर 3. सो अगर यहाँ पर nth अटेम्प्ट हो जाता, ओके, ये मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये कौन से अटेम्प्ट की है, n t हाफ की है, तो ये लास्ट डिक्रीज करते करते यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा. तो इसका कर्व कैसा होगा, ऐसा कर्व आएगा इसका. और ये लास्ट जो फॉर्मूला होगा n इक्वल टू n नॉट 1 बाय 2 रेस पावर n हो जाएगा. ये n इक्वल टू nth अटेम्प्ट की बात है. सो ये जनरल फॉर्मूला आ गया इनिशियल और फाइनल अमाउंट के बीच में रिलेशन. और ये जो है कैपिटल T इक्वल टू n t हाफ के इक्वल आ गया. सो n इक्वल टू कैपिटल T अपॉन t हाफ. यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ. सो लेट मी डिस्कस एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. अ सब्सटेंस substance whose half life is 50 days, this integrated 3/4 value. Find the mean life. Okay, so देखिएगा, लेट एन नॉट इक्वल टू एक्स. ओके, और कितना डिसइंटीग्रेट हो गया है, एक्स का डिसइंटीग्रेट अमाउंट है 3/4. तो रिमेनिंग वैल्यू जो होगी एक्स माइनस 3x/4, दैट इज x/4. देखिए एन आ गया और एन नॉट गिवन था, हमने कुछ मान लिया था 10
अब हमने रिलेशन यूज किया n इक्वल टू n नॉट 1 बाय 2 रेज पावर m, सो n है x बाय 4, n नॉट है x 1 बाय 2 रेज पावर m, सो 1 बाय 4 को हम 1 बाय 2 के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बेस इक्वल तो पावर इक्वल तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने आए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइड 2, सो हम ये रिलेशन जानते हैं n इक्वल टू कैपिटल T अपॉन T हाफ या n T हाफ इक्वल टू कैपिटल T, सो 2 इनटू 50 डेज है, सो T इक्वल टू आ जाएगा 100 डेज। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द मीन लाइफ एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स।